हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने सिलाइयों से बनाई है। इसे बनाने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का काम में लिया है और इसमें मैंने 3 कलर की ऊन से बनाया है। वाइट, ऑरेंज और ग्रीन कलर की ऊन से मैंने इस ड्रेस को बनाया है। इस ड्रेस में मैंने लास्ट में इस तरह की पत्तियाँ बनाई हैं। ये पत्तियाँ मैंने अपने पिछली ड्रेस में भी बनाना बताया है। इसमें मैंने इस बार इन पत्तियों के ऊपर मैंने इस तरह की बॉल सी बनाई है जो हम पत्तियों के बीच में बनाते हैं। इससे ये ड्रेस और भी प्यारी लग रही है। ये 4 और 5 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है मैंने। तो चलो आज हम इस तरह की ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे हर तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही और बेल आइकन में भी ऑल के बटन को दबाना ना भूलें। चलो हम आज इस तरह की ड्रेस बनाते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने चोली बना के तैयार कर ली है। ये हमारे 4 नंबर की गोपाल जी के लिए चोली बनाई है मैंने। इसमें 5 नंबर में ऊपर मैंने इसमें 18 फंदे डाले हैं। 5 नंबर के लिए इसमें यहाँ पे 20 फंदे डाल लेते हैं और जाली दोनों में 4 और 5 नंबर के में हम चार ही जालियाँ बनाते हैं और बाजू में दोनों जगह हम 11 11 फंदे ही घटाते हैं 4 नंबर में भी और 5 नंबर में। लंबाई हम बना के अपने कान्हा जी को पहना के देख लेते हैं कि हमको लंबाई कितनी चाहिए रहती है। अब इसके बाद मैंने इसमें अब उल्टी सिलाई में मैं इसमें फंदे बढ़ाती हूँ। तो उल्टी सिलाई में फंदे बढ़ाने के लिए मैं पहले फंदे को 2 बनाती हूँ। इसमें सभी सिलाई हम उल्टी निकालें, दूसरे फंदे का 1 का 2 करती हूँ। फिर मैं अगले फंदे को बनाती हूँ, फिर उसे अगले फंदे में मैं 1 का 2 करती हूँ। तो हर दूसरे फंदे को 1 का 2 करूँगी। तो इसमें लास्ट में हमारे 28 फंदे थे, तब हमारे इसमें 42 फंदे हो जाएंगे। इस तरह मैं 1 का 2 करते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने इसमें 14 फंदे बढ़ा लिए और अपनी पहली रो निकाल लिए। इसमें सभी सिलाइयाँ हमारी जब भी हम कलर चेंज करेंगे उल्टी साइड से शुरू होंगी, क्योंकि हमारी उल्टी उल्टी बनेगी पूरी ड्रेस में, गांठ स्टिच की बनेगी पूरी ड्रेस। और इसमें मैंने इसमें पहली रो तो निकाल ली, इसके बाद मैं इसमें व्हाइट कलर की 5 रो और निकालूंगी। तो ये 5 रो मैं उल्टी उल्टी निकालती हूँ। तो व्हाइट कलर की उनकी मैं 5 रो निकाल के इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। सभी सिलाई हमारी उल्टी उल्टी ही निकलेंगी, जिससे हमारी इसमें वाइट कलर की 3 रो निकल जाएगी। तो आगे की तरफ हमारे वाइट कलर की 3 रो बन जाती हैं। तो इस तरह सभी रो निकाल के मैं इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने इसमें अपनी 5 रो, तो कुल हमारी इसमें वाइट कलर की 6 रो निकलती। इसमें 6 रो कंप्लीट करके मैं इसमें ले आई हूँ। सभी कलर की हमारी 6 रो ही निकलेंगी। इसके बाद मैं ऑरेंज कलर की रो निकालूंगी, उसके बाद वापस से ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, इस तरह से इसमें रो निकलेंगी। तो ये मैंने इसमें 6 रो अपने वाइट कलर की निकाल ली। अब इसमें मैं ऑरेंज कलर लगाती हूँ। तो ऑरेंज कलर लगाने के लिए शुरू में हम पहले पिछली बार हमने इस रो में हमारे 14 फंदे बढ़ाए थे, तो जैसे हमारा कलर चेंज होगा तो इसमें भी हमारे अब 14 फंदे बढ़ेंगे। तो पिछली बार हमने 1 फंदा छोड़ के 1 फंदे बढ़ाया था, इस बार हम 2 फंदे छोड़ेंगे और तीसरे फंदे पे हमारे 1 के 2 करेंगे। तो मैं तीसरे फंदे पे 1 का 2 करती हूँ, 1 ये 2। तो हर तीसरे फंदे पे हमें 1 का 2 करना है। फिर बीच में 1 2 फंदे तो हम बनाएंगे और तीसरे फंदे पे हम 1 का 2 करेंगे। पहले पीछे से बनाते हैं, फिर इसी फंदे को हम आगे से बना लेते हैं। इस तरह हमारे 1 फंदे के 2 फंदे बन जाते हैं। फिर बीच में हम 2 फंदे बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हमारी ये ऑरेंज कलर की रो भी निकलेगी और इस रो में भी हमारे 14 फंदे बढ़ जाएंगे। इस बार जब भी हम कलर चेंज करेंगे हमारे 14 फंदे बढ़ते जाएंगे। इसमें हम 14 फंदे ना बढ़ा के हमारे इसमें 6 रो निकालते हैं, तो हम हर रो के अंदर 5 फंदे बढ़ा के भी बना सकते हैं। पहले हमने 2 रो निकाली तो उसमें उल्टी साइड में हमने 5 फंदे बढ़ा लिए। फिर दूसरी रो निकालेंगे हम अपनी उल्टी साइड में वाइट की, तो उसमें 5 फंदे और बढ़ा लेंगे 10। फिर तीसरी निकलेगी तो उसमें 10। इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं और या एक साथ भी बढ़ा सकते हैं। तो हम जैसे छोटी पोशाक बनाएंगे तो हमारी ये 2 रो निकलेंगे तो उसमें हम 10 फंदे ही बढ़ाएंगे। उससे छोटी बनाएंगे तो 1 रो ही निकलेगी तो उसमें हम 5 ही फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। तो हम ये कैसे भी बढ़ा सकते हैं, एक साथ चाहे 14 बढ़ा लें या 3 रो के अंदर हम 5 5 फंदे बढ़ा के भी इसे बना सकते हैं। तो मैं ऑरेंज कलर की भी कुल 6 रो निकाल के ले आती हूँ। तो सभी कलर की हमारी 6 रो निकलेंगी। तो इस बार भी हमारे इसमें 14 फंदे बढ़ जाएंगे। तो
तो मैं ये सभी रो निकाल के कंप्लीट करके ले आती। इस तरह मैंने अपने ऑरेंज कलर की भी तीनों रो निकाल के कंप्लीट कर ली है। अब वापस से हम अपना इसमें ग्रीन कलर लगाएंगे। जिस तरह से हम अपनी जब भी कोई अगला कलर लगाते हैं तो उसके में हम अपने 14 फंदे बढ़ाते हैं, तो इस रो में भी हमें 14 फंदे बढ़ाऊंगी। पहले वाली रो में जब हमने व्हाइट कलर की ऊन में फंदे बढ़ाए थे तो एक फंदा छोड़ के दूसरे फंदे पे एक का दो किया था। ऑरेंज वाली में हमने दो फंदे छोड़ के तीसरे पे एक का दो किया था। इस बार ग्रीन कलर की ऊन में हम तीन छोड़ के चौथे फंदे पे एक का दो करेंगे। एक एक बना लिया, ऐसे दो फंदे और बना लेती हूँ मैं। तीन फंदे छोड़ के चौथे फंदे पे मैं एक का दो कर लेती हूँ। फिर तीन फंदे बना लूंगी मैं, फिर चौथे फंदे को एक का दो कर लेती हूँ। हम इसको कैसे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैंने काउंटिंग करके बता दिया तो उससे कोई गलती नहीं होती। आप चाहें तो इसे थोड़ा थोड़ा करके कैसे भी बढ़ा, लेकिन हमें हर रो में 15 फंदे बढ़ाने रहते हैं। अगर हमें अलग अलग फंदे बढ़ाने हैं तो हर रो में हम 5 फंदे बढ़ाएंगे, क्योंकि 3 रो निकलती है तो हमारे 15 फंदे बढ़ जाते हैं। और हमें एक साथ बढ़ाने हैं तो यहाँ पर मैं एक साथ 14 फंदे बढ़ा लेती हूँ। इस तरह से मैं अपनी सभी रो में फंदे बढ़ाऊँगी। अब अपनी ग्रीन कलर की मैं वापस से इसके बाद 5 रो निकाल के कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह मैंने अपनी ग्रीन कलर की भी तीनों रो निकाल के कंप्लीट कर लिया है। अब वापस से हम ग्रीन के बाद वापस से व्हाइट कलर की 3 रो निकालेंगे। तो हम अपनी व्हाइट ऊन से इसमें 6 रो निकालते हैं, जिससे हमारी 3 रो बन जाती है। तो अब इसमें इस वाली रो में हम अगला कलर लगा रहे हैं, तो इसमें वापस से हम अपने 14 फंदे बढ़ाएंगे। इस बार मैं इसमें शुरू में 4 फंदे बनाती हूँ, 1 2 3 4 फंदे बनाऊंगी और 5वें फंदे में एक का दो करती हूँ। फिर 4 फंदे बनाऊंगी, फिर 5वें फंदे में एक का दो करूंगी। इस तरह बनाते हुए इसमें मैं अपनी ये 6 रो निकाल लूंगी, तो जिससे इस तरह मैंने अपने व्हाइट कलर की भी 3 रो निकाल के इसे कंप्लीट कर लिए। अब वापस से हम अपने व्हाइट के बाद वापस से ऑरेंज कलर की रो निकालेंगे। तो इस बार भी मैं अपने ऑरेंज कलर की रो में 14 फंदे बढ़ाती हूँ। दो तीन चार पाँच, 5 फंदे बना के 6ठे फंदे को मैं एक का दो करती हूँ। फिर 5 फंदे बनाऊंगी मैं, 3 4 5, फिर 6ठे फंदे को एक का दो करूंगी। इस तरह बनाते हुए मैं इसमें 14 फंदे बढ़ाऊंगी और अपनी हर बार की तरह 5 रो कुल 6 रो निकाल के इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। अब मैंने अपनी ऑरेंज की 6 रो निकाल के कंप्लीट कर ली है, जो हमारी 3 रो गांठ स्टिच की बन गई। अपनी ऑरेंज ऊन को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। आगे हम अपनी व्हाइट और ग्रीन कलर की ऊन से बनाएंगे। आगे हम अपनी ड्रेस में इस तरह की पत्तियाँ बनाएंगे। इसमें मैंने पत्तियाँ सिंपल बनाई हैं। इस वाली ड्रेस में मैं पत्तियों के बीच में एक ग्रीन कलर की बॉल और बनाऊंगी। पत्तियाँ व्हाइट कलर की बनाऊंगी, मैं ग्रीन कलर की बॉल बनाऊंगी। तो मैं आज इसमें इस वाली ड्रेस में मैंने 8 फंदों से पत्ती बनाई थी। अपनी इस ड्रेस में मैं 10 फंदों से पत्ती बनाऊंगी। इसमें हमारे कुल 98 फंदे हैं, तो 2 फंदे हम बीच में बढ़ा लेंगे। तो शुरू में मैं इसमें 2 फंदे अपने व्हाइट कलर की ऊन से बनाती हूँ और अपनी ग्रीन ऊन को मैं साथ में लेके चलती हूँ। तो शुरू के 2 फंदे मैंने पहला और ये दूसरा फंदा, ये मैंने अपनी व्हाइट कलर की ऊन से बनाए। फिर इन 2 ही फंदों को मैं वापस से बनाऊंगी। तो मैं पहले फंदे को तो उल्टा बनाती हूँ, दूसरे फंदे को ऊन को पीछे ले जाके अपने व्हाइट कलर के फंदे को सीधा बनाती हूँ, जिससे हमारी इस तरह की रो बन जाती है। जैसे हमने फंदे घटाएंगे वैसे बनेंगे। अब अगली सिलाई में, तीसरी सिलाई में पहले फंदे को मैं व्हाइट कलर के को बिना बना उतारती हूँ, दूसरे को मैं उल्टा बनाती हूँ, तीसरे को मैं 2 फंदे और बना लूंगी अगली सिलाई में से, तीसरा भी उल्टा बनाऊंगी मैं और चौथा भी मैं उल्टा बनाती हूँ, लेकिन अपनी ग्रीन कलर की उनको मैं साथ में लेके चलती हूँ। ये 4 फंदे हमारे बन गए। अब इन फंदों को वापस से मैं
उल्टा बना लूँगी सीधी सिलाई में भी, एक दो और तीन, तीन फंदे हमने बना लिए, उनको आगे लेके जाएंगे और इस फंदे को मैं सीधा बना लूँगी। उल्टी सिलाई में से हमें इस फंदे को उतारना है, इस फंदे को मैंने सीधा बना लिया। अब वापस से मैं अपनी उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई में पहले फंदे को तो उतार लेती हूँ मैं, तीन फंदे अपने व्हाइट कलर की ऊन से बना लेती हूँ। अब हमें आगे की पत्ती में दो फंदे और लेने रहते हैं हमें, जो हम अपने अगले हर बार अपनी पत्ती में दो फंदे इस सिलाई से लेते हैं। इस बार हम ये फंदे बाद में बनाएंगे, अपनी व्हाइट कलर की ऊन को तो हम छोड़ देते हैं, अपनी ग्रीन कलर की ऊन लेते हैं। तो ये दो फंदे मैं ग्रीन कलर की ऊन से बनाती हूँ, एक और एक दो फंदे। ग्रीन कलर की ऊन से बनाने के बाद इन्हीं फंदों को मैं वापस से सीधी सिलाई में दोनों को ग्रीन कलर से बना लेती हूँ। ग्रीन कलर की ऊन की हम इसमें आठ सिलाइयाँ निकालेंगे, तो दो सिलाइयाँ मेरी निकल गई हैं। तीसरी सिलाई में मैं इन फंदों को चार कर लेती हूँ। तो पहले फंदे को एक का दो बना लेती हूँ, अगले को भी मैं एक का दो बना लेती हूँ, तो हमारे दो के चार फंदे हो गए। ये हमारी तीसरी सिलाई है। अब हमारी चौथी सिलाई आ गई ग्रीन कलर की, तो इन चार फंदों को मैं उल्टा बना लेती हूँ। चार सिलाई पूरी हो गई, वापस से ग्रीन कलर की उनको पीछे ले जाते हैं। पांचवी सिलाई में भी इन चारों फंदों को बना लेती हूँ मैं। पांच सिलाई कंप्लीट हो गई, छठी सिलाई में भी मैं चारों फंदों को बना लेती हूँ। अब सातवीं सिलाई में वापस से मैं अपने फंदों को दो बना लूंगी, तो शुरू के दो फंदों का दो का एक करती हूँ और अगले दो फंदों का दो का एक करती हूँ। जिस तरह हमने दो फंदों से शुरू किया था, वापस से हमारे पास दो फंदे आ गए। अभी हमारी सातवीं सिलाई पूरी होगी, अभी आठवीं सिलाई आ गई, तो आठवीं सिलाई में मैं दो फंदों को बना लेते। तो ग्रीन कलर की ऊन का काम हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अब ये अपनी ग्रीन कलर की ऊन को हम छोड़ देंगे। अब हमें व्हाइट कलर की ऊन में दो फंदे और चाहिए अपनी पत्ती के लिए, तो अभी ग्रीन कलर के फंदे लेंगे। लेकिन ग्रीन कलर के फंदे लेने के साथ पहला फंदा मैं यहाँ से लेती हूँ। जिस तरह से हमारे ये फंदे हमने यहाँ से शुरू किया, तो हमारे ग्रीन ऑरेंज कलर का अलग से ये ऊपर दिखता है, तो इसको मैं अपने इस फंदे पे इस तरह से ले लेती हूँ और ग्रीन को ले लेती हूँ। फिर अपने व्हाइट कलर की ऊन से दो का एक करूँगी, तो एक फंदा तो हमारा आ गया। फिर अपने ग्रीन फंदे को लेती हूँ और अपने नीचे से मैं ऑरेंज फंदे को लेती हूँ, जहाँ से हमने इसे बनाया था। इन दोनों फंदों को वापस अपने इसमें सिलाई में डालती हूँ और इन फंदों को भी मैं दो का एक कर देती हूँ। अब हमारी पत्ती में वापस से हमारे पास छः फंदे आ गए। अब अपनी ऊन को आगे लेती हूँ और इन छः फंदों को मैं उल्टा बना लूँ, तो शुरू के पांच फंदे तो हमारे उल्टे बनेंगे, तीन चार पाँच, और इस ऊन को पीछे ले जाके इस फंदे को मैं सीधा बना देती हूँ। अब वापस से पहला फंदा उतारेंगे हम और आगे अब दो फंदे और ले लेंगे, दो तीन चार पाँच छः फंदे तो हो गए हमारे, दो फंदे इसमें से ले लेंगे लेकिन साथ में ग्रीन कलर की उनको साथ लेके चलते हैं, एक दो, ये आठ फंदे हो गए हमारे। अब अपने आठ फंदों को वापस बना लेती हूँ मैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात और आठ फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ। अभी हमारी लास्ट रो है, तो इसमें दो फंदे और बढ़ा लेंगे। पहला फंदा मैंने उतारा, तो इस बार हमारी दस फंदों की पत्ती बनेगी। ये हमारे आठ फंदे बन गए, अब दो फंदे इसमें से और ले लूँगी मैं, तो हमारी ये दस फंदों की पत्ती बनेगी, एक दो। अब इन दस फंदों को मैं बना लेती हूँ, लास्ट के फंदे को मैं सीधा बनाती हूँ। अब हमारी पहली पत्ती कंप्लीट हो गई है, तो इन दस फंदों को मैं घटा दूंगी। तो पहला फंदा बनाती हूँ, इस फंदे को वापस अपनी सिलाई पे लेती हूँ, दो का एक करती हूँ। इस तरह घटाते हुए मैं नीचे तक आ जाती हूँ अपनी सभी फंदों को। नौ फंदे तो घट गए, अभी दसवां फंदा घटाने के लिए हम अपनी ऑरेंज कलर के फंदे के साथ इसे घटा देते हैं। तो हमारी पत्ती का अगला फंदा हो गया और नौ फंदे घट गए। इस तरह हमारी ये एक पत्ती बन के तैयार हो गई। इस तरह से हमारी ये पत्ती बनती है। ये हमारा पत्ती तो बन गई और ग्रीन कलर का इस तरह का बोल हमारा इस पत्ती के आगे बनता है। अगर आपको सेम कलर का पोम पोम बोल लग जाए, तो आप इसे सुई धागे से भी लगा सकते हैं, नहीं इस तरह का बना सकते हैं। तो मैं आपको एक पत्ती और बना के दिखाती हूँ।
एक फंदा तो हमारा बन गया है, अब दूसरा फंदा और बना लेती हूँ मैं। फिर अपने इन दो फंदों को वापस बना लेती हूँ मैं, फिर दो के चार बना लूँगी मैं। बस ग्रीन कलर की उनको हमेशा साथ में लेके चलना है। तो पहले फंदे को, सॉरी, पहला फंदा हमारा यहाँ पे सीधा बनेगा। और इस ऊन को हम इस तरह से उतार लेते हैं और अपने अगले दो फंदों को बना लूँगी। दो तो बन गए, अब हमारा तीसरा फंदा बनेगा, तो मैं तीसरे फंदे को बना लेती हूँ और फिर अपने में चौथे फंदे को बना लेती हूँ। इस तरह मेरे ये चार फंदे बन गए। अब इन फंदों को मैं उल्टा करूँगी और इन्हें तीन तो मैं उल्टा बनाऊँगी और चौथे फंदे को उनको पीछे ले जाते हुए सीधा बना लूँ। इस तरह से ये बन गया। वापस से उल्टी सिलाई में आ गए। पहला फंदा मैंने उतार लिया है, तीन फंदे में बना लेती हूँ। अब वापस से मैं पत्ती के लिए दो फंदे चाहिए, लेकिन पहले हम अपनी ग्रीन कलर की बॉल बनाएंगे। तो शुरू में मैं दो फंदे ग्रीन कलर से बनाती हूँ। अब इन दो फंदों को वापस से मैं उल्टा बना लेती हूँ, क्योंकि ग्रीन कलर की हमें आठ सिलाइयाँ निकालनी रहती। दो सिलाइयाँ हमारी निकल गई हैं। तीसरी सिलाई में हम ग्रीन कलर के फंदों को बढ़ा लेते हैं, तो ये दो के चार कर लूँगी मैं। एक का दो करती हूँ, फिर अगले को भी एक का दो करती हूँ। इस तरह हमारे ये तीसरी सिलाई में हमारे चार फंदे हो गए ग्रीन कलर के। अब चौथी सिलाई में इन्हें फंदों को मैं बना लेती हूँ। पांचवी छठी सिलाई में भी दोनों तरफ से इन फंदों को मैं बना लेती हूँ। ये हमारी पांचवी सिलाई हो गई और ये हमारी छठी सिलाई हो गई। इस तरह हमारी छह सिलाइयाँ तो बन गई। अब सातवीं सिलाई में हम इन फंदों को वापस से दो कर लेंगे। दो करने के लिए शुरू के दो फंदों को मैं दो का एक करती हूँ, अगले दो फंदों को दो का एक करती हूँ। ये हमारी सातवीं सिलाई हो गई और ये हमारी लास्ट की आठवीं सिलाई हो गई। इस तरह हमारी आठवीं सिलाई बन गई। अब ग्रीन का काम हमारे यहाँ पे पूरा हो गया। अब हमको वाइट के दो फंदे और चाहिए अपनी अगली में, तो ये हमारे ग्रीन के हैं। तो ग्रीन के फंदे हम पहला फंदा यहाँ से लेते हैं और दूसरा फंदा हम यहाँ से इस तरह से, जो नीचे हमारे फंदे जहाँ से बनते हैं ऑरेंज अलग से दिखता है, इस वाले फंदे को उठा लेते हैं। इसको इसमें डालेंगे दोनों फंदों को और ये दो का एक कर लेते हैं। एक फंदा तो हमें मिल गया, इसी तरह हम दूसरा फंदा भी ले लेंगे यहाँ से और इनको भी दो का एक कर देंगे। इस तरह हमारे वाइट के हमें दो फंदे मिल गए, तो हमारी पत्ती के छः फंदे हो गए। अब इन छः फंदों को मैं बना लेती हूँ। लास्ट का फंदा मैं सीधा बनाती हूँ। अब हमारी उल्टी सिलाई में दो फंदे और बढ़ जाएंगे। तो पहला फंदा मैंने उतारा, छः बचे हुए पांच फंदे मैं सीधे बनाती हूँ, सॉरी उल्टे बनाती हूँ। फिर दो फंदे इसमें से और ले लूँगी और अपनी ग्रीन ऊन को मैं साथ में लेके चलती हूँ। वापस से मैं अपनी सीधी सिलाई में आ गई। सीधी सिलाई में इन आठ फंदों को मैं वाइट कलर की ऊन से बना लेती हूँ। सात फंदे तो मेरे सीधे बन गए, उल्टे बन गए, एक फंदा लास्ट का हम हमेशा की तरह उल्टा बनाएंगे। अब इसमें दो फंदे और बढ़ा लेंगे। इस बार हम दस फंदों की पत्तियां बना रहे हैं। पहला फंदा मैंने उतारा, तीन चार पाँच छ सात, अब दो फंदे और ले लेती हूँ, एक और एक दो, तो ये हमारे दस फंदे हो गए। इस तरह हमारे दस फंदों की पत्ती बनेगी। अब इन फंदों को मैं आगे की तरफ से बना लेती हूँ। नौ फंदे तो मैं उल्टे बनाऊंगी, दसवां फंदा सीधा बनाती हूँ। अब इन दस फंदों को मैं दो का एक करते हुए घटा देती हूँ। पहला फंदा बनाऊंगी, वापस से सिलाई में डालूंगी और इस तरह दो का एक करते हुए मैं सभी फंदों को घटा के अपनी दूसरी पत्ती भी कंप्लीट करूँ। नौ फंदे तो हमारी पत्ती में घट जाते हैं। दसवां फंदा घटाने के लिए हमें ऑरेंज में से एक फंदा लेके इस तरह से दस फंदे घटाने रहते हैं। तो हमारी पत्ती के दस फंदे घट गए और हमारी अगली पत्ती का एक फंदा मिल जाता है। इस तरह मैंने दो पत्तियां बना ली हैं और बीच में हमारा ये ग्रीन कलर का बॉल बन जाती है। इस तरह से मैं अपनी सभी बची हुई पत्तियाँ बना के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें हमारे दो फंदे कम पड़ते हैं, तो मैं बीच में यहाँ पर
ऑरेंज कलर के फंदे को जब व्हाइट कलर के बनाएंगे हम, तो एक दो फंदे ना बना के एक के दो बना के दो बार बना लूँगी, तो हमारे फंदे दो फंदे बढ़ जाएंगे। इस तरह बनाते हुए मैं अपनी सभी पत्तियाँ बना के इसे कंप्लीट करके ले आती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपनी सभी पत्तियाँ बना के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। इस तरह हमारी ये बन गई है। अब आगे की तरफ हम इसकी सिलाई कर देते हैं। सिलाई करते समय इसको इस तरह से उल्टा पकड़ेंगे हम। पहले दोनों पत्तियों की सिलाई करेंगे इस तरह से, जिससे पत्ती हमारी बिल्कुल सही आ जाए। इस तरह से दोनों पत्तियों की सिलाई होगी। अब सभी कलर को एक दूसरे के साथ पकड़ के इस तरह से एक दूसरे के साथ, सभी कलर को कलर के साथ एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए, तो इस तरह इनको ऊपर नीचे करते हुए सिल दूंगी। इस तरह से कलर के ऊपर कलर आना चाहिए। इस तरह सिलते हुए मैं इसको पूरी को सिल के कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह बनने के बाद हमारी ड्रेस बन के कम्प्लीट हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।